वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। भाई समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, 15-20 दिन से जीरो व्लॉग शूट किया हुआ है, आप सोच नहीं सकते यार। मैं बोलूं क्या ही बताऊं ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी की लगी पड़ी हुई है भाई। लिटरली 15-16 दिन से ना डिप्रेशन में था, इतना सर दर्द, इतना सर दर्द, सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो फिलहाल मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ हूँ बाहर। यार पूछो ही मत 15 दिन कैसे निकले मेरे, जो लास्ट के 15 दिन है ना, तो चलो ऐसे निकले हैं जैसे ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन। इनके अलावा अभी तक मेरी एज, जो जहाँ तक मेरी है, इनसे ज़्यादा बुरे दिन कोई है ही नहीं यार। सबसे बुरे दिन निकले मेरे 15 वाले। लिटरली बहुत मन कर रहा था सुसाइड कर लूँ यार, पर फिर भी सोचा कि मत छोड़ो यार, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। दैट्स वाई यार शाम को बाहर निकला हूँ अपने दोस्त के साथ, इसका बुलेट के साथ निकले हुए हैं भाई। रात को चल रहा है चिल, थोड़ी बहुत ही पार्टी शार्टी करेंगे अब, क्योंकि इतने टाइम बाद बाहर निकलेगा। मोटिव यही था कि कुछ करें यार बाहर जाके, कुछ ना कुछ तो धमाल करें। धमाल क्या ही करना है भाई साहब, रोग रात को ऐसे चलते हैं जैसे इनके बाप का रोड है। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिलहाल तो यही बोलूँगा यार, कोई रीज़न नहीं है सब्सक्राइब करने का, बट करो यार प्लीज़ करो। और मेरा इस वक्त मन है नेटफ्लिक्स एंड चिल करने का, और ये कोई जा रहा है ख़तरनाक सा बंदा, पता नहीं कौन गया ऐसे जू करके जा रहा था। है कोई बंदा नेटफ्लिक्स एंड चिल, बंदा नहीं बंदी चाहिए, बट चाहिए ख़तरनाक वाली। लैपटॉप जिंदाबाद, कोई नेटफ्लिक्स के लिए है तो बताओ यार, अवेलेबल है तो बताओ, चले यार कोई पार्टी शाड़ी धमाल करें। ले भाई इसको भी मस्ती चढ़ी हुई है रात के लिए, पहुंचने वाले हैं फिलहाल, सोच रहे हैं कुछ खाने के लिए जाएं। भाई कहाँ पे जाएंगे बोलना, इसको बोलना नहीं है ना ही इसको कैमरा में आना है भाई, इसकी फर्स्ट डिमांड यही है। चलो कोई बात नहीं भाई, प्लीज़ थोड़ी हेल्प करो यार। मैं बोलूँ सच में लास्ट के जो 15 दिन गए हैं ना, बहुत ही बुरे गए हैं यार, प्लीज़ हेल्प करो, थोड़ा बाहर आऊँ। लिटरली डिप्रेशन में था यार, इतनी ज़्यादा सर दर्द, इतनी ज़्यादा टेंशन, ना कोई ब्लॉग, घर वाले भी बोल रहे थे, इवन जो मेरे को जानते भी नहीं थे वो भी बोल रहे थे यार थंडर भाई कब आ रहा है नेक्स्ट ब्लॉग तेरा, वीडियो बनाना छोड़ दिया क्या, उतर गया ब्लॉग्स का नशा तेरे दिमाग से, उतर गया फितूर। मैंने कहा यार कोई बंदा टेंशन में भी होता है, किसी को बताएं कितना ही बता सकते हैं, अब कोई समझता है कोई नहीं भी समझता है। बट फिलहाल पहुंच गए हैं ट्रैफिक के पास सतवारी, अब यहाँ से निकलेंगे तो आ रहे हैं यहाँ से, पता नहीं आगे करेंगे क्या करेंगे आज। काफ़ी टाइम बाद सिटी का नज़ारा, रात का नज़ारा खूबसूरत, ऐसे रात सुहानी तभी होती है जब 12 बजे के बाद जम्मू की। फिलहाल तो टाइम, मन नहीं है ऐसा कुछ दिखाने का, बट कभी मौका मिला तो ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को यार। ओ भाई यार सच में, फिलहाल देखो रात का नज़ारा कैसा है यार। गाइज यार फिलहाल तो सच बोलूँ ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या यार, क्या दिखाऊँ फिलहाल रात के टाइम पे। यहाँ पे है कि आपको स्ट्रीट फूड लाइव दिखा सकता हूँ, नाइट स्ट्रीट फूड लाइव ऑफ जम्मू, बिकॉज ऑफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, आपको रोड के पार दिख रहे होंगे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स। फिलहाल हम थोड़ी देर बाद यहीं पे आने वाले हैं, मैं और मेरा दोस्त सुशील, ये देख लो फिलहाल ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स, आपको अनगिनत स्टॉल्स मिलने वाले हैं यहाँ पे फिलहाल तो गांधीनगर में, गांधीनगर से लेके आपको लास्ट मोड़ से लेके गांधीनगर एंडिंग तक बहुत कुछ दिखने वाला है आपको भाई, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा स्टॉल्स आगे तक स्टॉल ही स्टॉल्स दिखेंगे। ये देखो आपको कितने ज़्यादा स्टॉल्स, ऐसे स्टॉल कुछ पीछे भी थे कुछ यहाँ पे भी हैं, जितना चाहे उतने देख सकते हो फिलहाल तो, देख रहे हो ऐसे ज़्यादा गाड़ियाँ ही मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। और भाई ये गाड़ी वाले ना हफ्ते ज़्यादा यहाँ पे रुकेगा, देख रहे हो आप जम्मू स्ट्रीट फूड लाइव, ऐसे ज़्यादा गाड़ियाँ लगी होती हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, जितनी आप सोच नहीं सकते उतनी ज़्यादा, देखो पूरा रोड भरा होता है। और भाई
टिंबरू, ये लग चुके हैं इसके कचालू, इसके फेवरेट कचालू। कटड़ का टेंशन ले आया कल आना के, हां कल आना। ये हम नहीं तू गली जाते हैं, तू नहीं वाली जटनी आए। सो गाइस पहुंच चुके हैं जय माता कलाड़ी कुलचा, चाप तवा चाप, आपको कलाड़ी कुलचा यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। हमारे बड़े भाई हमें ना कलाड़ी बना के दिखाएंगे और इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, इसका क्या ही मज़ेदार खाना है, सब कुछ ए टू जेड। भैया लगाओ जरा एक चाप कलाड़ी। अच्छा कलाड़ी कुलचा जी, कलाड़ी कुलचा लगा रहे हैं। कलाड़ी कुलचा ठीक है, ये है हमारे जम्मू की लोकल डिश कलाड़ी कुलचा। यहाँ आपको ना हमारे जम्मू के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, कहीं पे मतलब कहीं पे नहीं, उधमपुर में। शुरुआत इसकी उधमपुर से हुई थी और चल ज़्यादा ये जम्मू में रहा है। और भैया की स्पीड देख रहे हो आप, एकदम सुपर फास्ट लग रहा है यहाँ पे यार। अच्छा जो छोटी कलाड़ी होती है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगाते हो। एक साइड से पक गई, एक साथ यहाँ पे तीन कलाड़ी कुलचे लग रहे हैं। प्याज टॉपिंग करेंगे, प्याज की टॉपिंग, प्याज टमाटर आ गया हमारा। और ये कलाड़ी कुलचा रेडी, इसके ऊपर कुछ और आएगा, हरी चटनी वगैरह सब कुछ। सो ये लग चुकी है हमारी प्लेट कलाड़ी कुलचा की। भैया आपने खाई कलाड़ी, कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया ना भैया। एड्रेस बता दो इसका एक बार अपनी शॉप। लास्ट मोड़ गांधीनगर है, लास्ट मोड़ गांधीनगर। शॉप नंबर, तो शॉप नंबर है लिखा दिया सर, रेडी नंबर 14 है भाई। शॉप का नाम है जय माता दी कलाड़ी कुलचा एंड तवा चाप। भाई जिसका मन हो यहाँ पे आके खा सकता है, मैं भी खाने वाला हूँ, मिलता हूँ आपको वही सीधे। थोड़ा मतलब और भी स्ट्रीट फूड लाइव दिखाता हूँ आपको जम्मू की, बस वेट एंड वॉच। बोलो मेरे जरा कलाड़ी कुलचा के बारे में बताना थोड़ा सा। ये कलाड़ी कुलचा बन रहा है, ये बेसिकली उधमपुर से स्टार्ट हुआ है, ये जम्मू का काम से बहुत फेमस हो गया ये कलाड़ी। अब एक दो साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। इसकी वजह क्या है भैया? लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ना, इसकी मतलब चीज़ की कमी पूरी कर रहा है। जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा में ना चीज़ होता है ऐसे पूरा ऐसे एकदम कड़ा कि जितना मर्जी खींच लो वो चीज़ बन रही है। और जितना मर्जी ऊपर खींचो इसको शॉप का नाम है, शॉप का जो नंबर है वो 14 है, लास्ट मोड पे शॉप है, एक बार आना, मस्ट ट्राई करना है एक बार। गाइस देखा आपको जम्मू की सबसे फेमस आइटम दिखाई है, वो था कलाड़ी कुलचा। फिलहाल अभी मेरा फ्रेंड बोल रहा है कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खा लेते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह खा के देन हम भाई निकल जाएंगे यहाँ से। सोचा नहीं था बट भैया ने मेरे को बोला कि आओ यार हमारे पास भी आओ, हमारा भी शूट करो। मैंने कहा चलो ठीक है कर देते हैं, और निकल रहे भाई यहाँ से, सिर्फ एक पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाने का मन है, काफ़ी टाइम से पिज़्ज़ा खाया नहीं है, सो निकल रहे हैं पिज़्ज़ा। फिलहाल देख रहा हूँ कोई अच्छी सी शॉप पिज़्ज़ा के लिए, अगर मिलती है ठीक है, नहीं मिलती तो भी ठीक है, निकल जाएंगे दो या तीन मिनट में मैक्सिमम, क्योंकि टाइम भी हो रखा है। टाइम देख लूँ एक बार क्या हो चुका है, ओ भाई लिटरली 9 बजने वाले हैं, घर वालों के फ़ोन भी आना शुरू हो चुके हैं, देखो एक मिस कॉल भी आ चुकी है घर वालों की। सो निकल रहे हैं भाई, पहले पिज़्ज़ा खा लूँगा देन निकलूँगा, पिज़्ज़ा खाते हुए मिलता हूँ सीधे बस। हाँ इधर भैया तंदूरी चाप भाई, पिज़्ज़ा कैंसिल, मलाई चाप ऑन। यहाँ पे इसका नाम है ग्रीन्स, 100% प्योर वेज, मेरी मलाई चाप लगने वाली है बस। ओ भाई लुक देख लो, देखो एक छोटा सा पिंपल भी हो रखा है मेरे को भाई, ये वही 15 दिन का जो हुआ ना मेरे साथ उसी का नतीजा है, छोटे छोटे पिंपल, एक छोटा सा पिंपल भी हो गया
बट भाई छोड़ो इन सबको, पिज़्ज़ा खाने का मन था, पिज़्ज़ा कैंसिल कर चुके हैं। फिलहाल हमारी मलाई चाप लगने जा रही है। ओहो भाई हमारे पीछे से भाई हेलो कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, ऐसे करके तो दोनों हाथों से कर दो। भाई ने दोनों हाथों से हाय कर दिया। ये आपकी है, है? अच्छा क्या बोल रहे भैया, कुछ बोलना चाहते हैं? लड़का चोर है, ये लड़का चोर है, ऑर्डर में 10 रुपये बढ़ा देता है। ऑर्डर में 10 रुपये भाई झोल कर रहा है भाई, कंप्लेंट करो इसकी, बंदा झोल कर रहा है भाई। पर फिलहाल जैनून लोग यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली हैं, मज़े से आ सकते हो, कुछ भी खाओ पियो। आप देखोगे ना इतनी ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा आगे पीछे पूरा A to Z भीड़ ही, जितना मर्जी घूम लो भाई। ये मेरा दोस्त है भाई, चलो इसको छोड़ो, ये इतना ज़्यादा वीडियो में आना नहीं चाहता। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ अपनी चाँप का, एक बार वो आ जाए भाई, वो खाने का मन है। मिलता हूँ सीधे चाँप के साथ भाई, लग जाए एक बार। मेकिंग तो नहीं दिखाऊँगा बिकॉज ऑफ काफ़ी ज़्यादा रश है, बट कोई बात नहीं, खाते हुए तो दिखा ही सकता हूँ ना। भाई बड़ी गर्म है यार, भाई आ चुकी है मेरी मलाई चाप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एज यूजुअल सेम टेस्ट, सब कुछ सेम यार। भाई चाप फिनिश, सब कुछ फिनिश, A to Z आप देख लो यहाँ की, ये रही एकदम A1 स्ट्रीट फूड लाइफ भाई। डिप्रेशन की वजह से सच में मैं सोच रहा था मैं आगे ब्लॉग शूट करूं या नहीं करूं या क्विट कर दूं, बट आज जब यहां पे आया भाई, सारे भाइयों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, चैनल सब्सक्राइब किया, सब कुछ किया भाई। अब तो मैं बोल रहा हूं कोशिश करूंगा कि भाई ब्लॉग क्विट ना करूं, डेली ब्लॉग ला पाऊं, कोशिश यही है कि डेली कर पाऊं, बट किसी ना किसी रीज़न से रह जाता है, बट अब ट्राई करूंगा डेली करने का। और भाई आप लोग भी सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी कोशिश करना यार कि, मतलब मैं ही कोशिश कर रहा हूँ कि निकल पाऊँ यार इन सब से, बट नहीं निकल पा रहा यार। मतलब सोचता हूँ दिमाग निकले बट नहीं निकल पा रहा यार, दिमाग निकल ही नहीं रहा है इन सब चीज़ों से। बंदा सोचता कुछ है, होता कुछ और जाता है, जो मर्जी हो जाए। चलो गाइस मिलता हूँ अब सीधे यार, घर जा रहा हूँ फिलहाल, निकल रहा हूँ, बाय बाय यार। बट भाई चैनल को सब्सक्राइब करना यार, कोशिश करूँगा डेली ब्लॉग की बट हो नहीं पा रहा, बट ट्राई करूँगा, प्लीज़ यार सब्सक्राइब माई चैनल, फिर बाय बाय यार। भाई फिर से एक बार आ गया मैं यहाँ पे वापस, तो ये थी मेरी लास्ट वाली भाई फाइनल है। मैंने सोचा कि चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, इतना कुछ खा लिया, थोड़ा मीठा हो जाए, पर इधर मीठा और ठंडा दोनों एक साथ ही हो गया, बट कोई बात नहीं, चलो चलता है यार जिंदगी में। अब फाइनल वाला बाय बाय, अब सीधे घर ही जा रहा हूँ यार।